बायकॉट करने का क्या कारण है? बायकॉट करने का कारण ये है कि ये लोग हमेशा जूता पहन के, कभी चप्पल पहन के, कभी नंगे, कभी किसी भी तरीके से ये लोग मंदिर में चले जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग भैंसे का मांस खाते हैं। अगर आप भैंसे का मांस खा के हमारे भगवानों का किरदार निभाओगे तो ये किसी धर्म को कोई भी होगा, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। जय हिंद। इस वक्त आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज, मीडिया रिपोर्टर शिवम चौहान के साथ। बॉलीवुड को लगातार बायकॉट किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। एक और मूवी फिर पब्लिक के हाथ पे चढ़ गई है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। मुख्य किरदार निभाया है अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर ने। अब पब्लिक इस मूवी को फिर से क्यों बायकॉट कर रही है? एक के बाद एक मूवी लगातार बायकॉट हो रही है, कभी लाल सिंह चड्ढा, कभी ब्रह्मास्त्र, कभी कोई और। तो क्या इसका रीज़न है बायकॉट का बार बार, क्योंकि इसमें इस मूवी में भी कहा जा रहा है कि यहाँ भी हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। देखिए, ब्रह्मास्त्र का हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, मैं क्या सब लोग कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र का विरोध। सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, जो इन्होंने ब्रह्म शब्द का, इन्होंने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। इन्हें ये नहीं पता भारत में ब्रह्मास्त्र का जो एक अलग ही जगह है। बायकॉट करने का क्या कारण है? बायकॉट करने का कारण ये है कि ये लोग हमेशा जूता पहन के, कभी चप्पल पहन के, कभी नंगे, कभी किसी भी तरीके से ये लोग मंदिर में चले जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग भैंसे का मांस खाते हैं। अगर आप भैंसे का मांस खा के हमारे भगवानों का किरदार निभाओगे तो ये किसी धर्म को कोई भी होगा, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। आपको हमेशा, हम लोगों ने हमेशा बॉलीवुड को, एक पिक्चर नहीं, तमाम पिक्चर इनकी हमने विरोध किया है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान के ऊपर या फिर हिंदू धर्म के ऊपर कोई मूवी बना रहे हैं तो आपका शुद्ध शाकाहारी होना जरूरी है। शुद्ध शाकाहारी होना जरूरी है और उसके दिल में जो किरदार निभा रहा है उसके दिल में हमारे भगवान के प्रति आस्था भी होना जरूरी है। ये नहीं कि तुम लोग कभी जूता पहन के, कभी चड्डी पहन के, कभी बनियान पहन के भगवान के मंदिर में घुस जाते हो, कभी दारू की बोतल लेके, कभी किसी की बोतल लेके मंदिर में, ये सब आप जो दृश्य दिखा रहे हो ये क्या साबित करना चाहते हो? भारत को आप कहाँ ले जाना चाहते हो? एक ही धर्म को आप बॉलीवुड वाले क्यों टारगेट करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन बॉलीवुड वालों से, आप लोग अगर एक धर्म को टारगेट करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। अभी तो हम आप अमिताभ बच्चन जी, हम आपको कितना सम्मान देते हैं, लेकिन आप भी आपने कपड़ों की बात की कि बनियान पहन के मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको पूजा करनी है तो आपका कपड़ा मैटर नहीं करता जी, ठीक है जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बनियान पहन के मंदिर जा रहे हो तो भगवान उसकी प्रार्थना कबूल नहीं करेंगे, मना कर देंगे? नहीं, हमने बनियान देखो, चप्पल पहन के जा रहे हैं। आपने बनियान बोला, बनियान के साथ गलत बोला कि सही बोला? देखिए, बनियान के साथ गलत की सही? देखो, हमने सही बोला, दारू की बोतल बनियान पहन के जाओगे तो हम गलत है, ये दारू की बोतल के साथ गलत है। हाँ। लेकिन आपने पहले बनियान ही बोला था। बनियान दारू की बोतल के साथ जा रहा है, नंगा घूमेगा भगवान के सामने। हम क्या भगवान के सामने कोई नंगा जाएगा इसे बर्दाश्त करेंगे? भगवान के सामने कोई भी कलाकार अगर शराब की बोतल चप्पल पहन के जाएगा उनका मजाक उड़ाएगा, हमारे शस्त्रों का मजाक उड़ाएगा, लवंडियाबाजी दिखाएगा, लड़कियों के आधे आधे कपड़े उतार के भगवान की जैसे मूवी बनाएगा। अरे महाभारत रामायण आपने देखी होगी, ये भी बनी थी, इसमें कितना अच्छा किरदार लोगों ने निभाया था। आज भी रामायण के जो राम जी है, हनुमान जी है, दारा सिंह जी और राम गोविंद जी, इनको आज हम लोग भी भगवान का दर्जा देते हैं। इन्होंने अच्छा किरदार निभाया था, इनका सम्मान किया जाता है। लेकिन आप ऐसे किरदार निभाओगे इसका आपका सम्मान नहीं, आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगे कि जहां से दोबारा लाइन में नहीं आ पाओगे, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। क्या लगता है कि जो बॉलीवुड है लगातार नीचे फिसलता जा रहा है, लगातार पब्लिक के हत्या चढ़ रहा है, कब तक चढ़ेगा भाई? देखिए, बॉलीवुड में बहुत से हीरो है, सनी देओल हो गए, सनी देओल की पिक्चर आ रही है गदर 2 का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से कह भी रहे कि गदर 2 जाके देखो। कई लोग बॉलीवुड में खाली एक दो के रहने से तालाब गंदा होता है, लेकिन उस मछली को हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी गंदी मछलियां नहीं रहेंगी जो बॉलीवुड में परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, नशे को बढ़ावा दे रही है, लड़कीबाजी को बढ़ावा दे रही है, ये सब चीज बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि इन चीज़ों को आज बॉलीवुड में ऐसा कोई लड़का बच्चा है जो ड्रग्स ना लेता हो, जो हीरो 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 के बच्चे हैं ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो नशा करके, आज तो वो सोचते हैं कि नशा करके पिक्चर बनाएंगे, इंजॉय लेंगे, और अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठा देता है तो उसको ये लोग डिबेट करके घेरते हैं। परिवारवाद की आपने बात की, परिवारवाद बॉलीवुड में किस हद तक ये बार बार चला जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी लगातार सारे के सारे एक ही परिवार से आ रहे हैं, तो ये परिवारवाद की कौन सी नीति को फॉलो कर रहे हैं? भैया देखो, परिवारवाद की सबसे बड़ी नीति है कि ये लोग, जैसे आलिया भट्ट महेश भट्ट की लड़की है, अरुण धवन है वो भी डायरेक्टर के लड़के हैं, और आप तमाम लड़कों गिना दूंगा मैं, यार परिवारवाद नहीं है तो क्या है? आज परिवारवाद इतना बॉलीवुड में बढ़ गया है कि आम लोग जैसे एक लड़का गया भी था किसी तरीके से, सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने सबने षड्यंत्र करके उसको जहर दिया, जहर देने के बाद उसे मरवाया। रिया चक्रवर्ती जो है वो महेश भट्ट के साथ रहती थी, और महेश भट्ट करण जौहर का बहुत बड़ा यार है, और दुनिया जानती है कि ये दोनों मिलके सुशांत सिंह राजपूत को पैसा हड़पा, उसको बॉलीवुड से भगाया नहीं बल्कि जान से मार दिया। इस मूवी को जो मैंने भी बात की ब्रह्मास्त्र की, करण जौहर ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं इसका रीजन ये तो नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ अभी जो आप बता रहे हैं संबंध, इसके कारण बायकॉट किया जा रहा है मूवी को? देखो, संबंध जो है बायकॉट इसके कारण भी है, और लेकिन जो हम देखो बायकॉट का सबसे बड़ा रीजन ये बता रहे हैं कि इन्होंने भगवान का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का अपमान कर रहे हैं। ये मूवी का ट्रेलर मैंने देखा है, मैंने ही पूरे भारत के लोग देख चुके, ये जो ट्रेलर इनका आया है उसमें इन लोगों ने सीधा दिखाया है कि रणबीर कपूर शिव जी तो है लेकिन एकदम सिंपल पैंट शर्ट पहन के भारत में ऐसे घूम रहा है, कहीं भी चला जाता है, किसी भी मंदिर में ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है यार, ऐसी ऐसी अश्लीलता दिखा रहा है टीवी में भगवान के नाम पे, ये बर्दाश्त के बाहर है यार, ऐसा नहीं करेंगे। हमारे देश में एक से एक हीरो हुए, सनी देओल जी, बॉबी देओल जी, धर्मेंद्र की, लेकिन बॉबी देओल की आपने बात की जी, बॉबी देओल की एक और सीरीज आई थी आश्रम जी, आज से तीन साल पहले लगातार तीन सीजन आ गए हैं, पूरे हिंदू धर्म का उसमें अपमान किया गया है, मुझे तो ऐसा लगता है, और पब्लिक ऐसे कह भी रही है जी, तो इस बात पे पब्लिक तो यही कह रही है कि जो उनकी सीरीज आई है आश्रम उसमें पूरा बाबाओं के बारे में गलत दिखाया गया है, उस पर क्या बोलेंगे भैया? देखिए, बॉबी देओल ने जो कुछ किया वो अपने करे पे शर्मिंदगी महसूस किया, उसने माफी भी मांगी है, उसे ये कैसी माफी है कि तीन सीजन लगातार डाल दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड? देखो, भारत में हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत से लोगों ने हमारे धर्म को गिराया है, उसी के फंसाने में ये बॉबी देओल जी भी आगे फंस गए थे, और फंसते चले गए, इनका बायोकार्ड हुआ था, लेकिन सनी देओल जी ने इन्हें समझाया कि ऐसे करेगा तो हमारे घर की बदनामी होगी, इसलिए बॉबी देओल अब मेरे को लग रहा समझदार हो जाएंगे, नहीं समझेंगे तो उनको भी सबक सिखा दिया जाएगा।